नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे लग्न में स्थित शनि के प्रभाव की, शनि के फलों की। देखिए, शनि को कर्म कारक कहा गया है। काल पुरुष कुंडली में शनि को दो घर अलॉटेड हैं, दशम और एकादश भाव, यानी मकर राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियां हैं। तो दशम और एकादश दोनों ही भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लग्न की जहां तक बात है तो लग्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। लग्न स्वयं वह व्यक्ति है, व्यक्ति का शरीर है, उसके स्वभाव, उसके गुण, ये सब लग्न से ही देखा जाता है। और यहाँ पर ज्योतिष में अशुभ ग्रह माने जाने वाले शनि का बैठना अच्छा तो नहीं माना जाता। वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, इससे मेरा तात्पर्य ये है कि शनि, देखिए, लौकिक जगत के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते, क्योंकि ये रूखे हैं, दुख और कष्ट प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन शनि अनुशासन पसंद होते हैं, शनि कठिन परिश्रम करवाते हैं, शनि का कल्पना जगत से कोई टच नहीं है, शनि का वास्तविकता से संबंध होता है, शनि न्यायाधीश हैं, कर्मफल दाता हैं। तो इस तरह से जो शनि के गुण होते हैं वह आम लोगों को क्यों पसंद आएंगे और क्यों लोग ऐसे ग्रह को पसंद करेंगे। देखिए, शनि स्लो मूविंग प्लैनेट भी हैं, बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट भी हैं, और लग्नस्थ शनि कैसे फल करेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि शनि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और वह राशि लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड कुंडली में कहाँ स्थित है, कैसे हैं, यानी शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में। स्थूल रूप से अगर देखें तो शनि अपनी राशियों मकर और कुंभ में, शुक्र की राशियों वृषभ और तुला में लग्न में रहते हुए अच्छे फल देते हैं। शत्रु राशियों में, अपनी नीच राशि में वह बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते। गुरु व बुध की राशियों में मिले जुले फल इनके प्राप्त होते हैं। देखिए, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि चाहे कोई भी लग्न हो, शनि अगर लग्न में स्थित हैं तो जातक को कड़ा परिश्रम, कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। शनि जातक से कड़ा परिश्रम करवाएंगे ही, बिना परिश्रम और संघर्ष किए बिना आप रह नहीं सकते। फर्क ये है कि यदि शुभ और अनुकूल राशि में लग्न में स्थित हैं शनि, तो फिर संघर्ष के बाद आपको सफलता भी रूप मिलेगी, सफलता सुनिश्चित है। अशुभ राशि में है तो फिर ये मान के चलें कि पूरा जीवन आपको संघर्ष में ही बिताना है, दुख और तकलीफों में ही निकालना है। याद कीजिए इंदिरा गांधी जी की कुंडली कर्क लग्न की थी, शनि लग्न में और चंद्रमा सप्तम भाव में, यानी लग्नेश। शनि और चंद्रमा का राशि परिवर्तन इंदिरा जी को जीवन में संघर्ष करना पड़ा, प्रधानमंत्री पद तक पहुंची, ये बात अलग है, नाम भी कमाया, यश मिला, लेकिन बहुत दुख और तकलीफें भी उन्हें भोगनी पड़ी। मोटे तौर पर लग्न में स्थित शनि व्यक्ति को एकांत प्रिय या अंतर्मुखी बनाता है। व्यक्ति जुझारू, परिश्रमी, कभी कभी उदासीन और शारीरिक कष्ट भी उठाने वाला होता है। इन्हें मानसिक उलझनों या मानसिक तकलीफों का भी सामना करना ही पड़ता है। शनि जनित पीड़ा जैसे वात जन्य रोग, पैरों से संबंधित समस्याएं, नर्वस सिस्टम आदि से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि शनि अशुभ हुए तो फिर ये मान के चलें कि शारीरिक व्याधियां जीवन भर लगी ही रहेंगी। एक बात ये देखने में आती है कि अच्छी स्थिति में होने पर, जैसे स्वराशि में शनि स्थित हो,
अपनी उच्च राशि तुला में हूँ। शनि के राशि व नक्षत्र लॉर्ड भी मजबूत स्थिति में हो तो फिर जातक, ऐसा जातक उच्च पदासीन होता है, उसका जॉब बहुत अच्छा होता है, या फिर कोई बिजनेसमैन होता है, या फिर कोई बहुत बड़ा राजनेता होता है। यदि सामान्य स्थिति में है शनि तो फिर कोई छोटी मोटी जॉब ही करता है। शनि राजनीति में बहुत सफलता देते हैं लग्नस्थ होने पर, लेकिन तभी देंगे जब वह अच्छी स्थिति में हो। मित्रों, ऐसा भी देखा गया है कि लग्नस्थ शनि के कारण जातक का घरेलू जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता, उसके संबंध भी बहुत अच्छे नहीं होते, शिक्षा में दिक्कतें आती हैं, जीवन का शुरुआती समय संघर्ष में गुजरता है, जीवन में प्रायः 36 वर्ष के बाद सफलता मिलती है, कई बार स्थान परिवर्तन का भी सामना करना पड़ता है। शनि व्यक्ति को हर तरह से तपाकर सोना बनाते हैं, उसे शुद्ध करते हैं। शनि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट तरीका पसंद नहीं करते, इसलिए लग्नस्थ शनि वाले व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि कड़ी मेहनत उन्हें करनी ही पड़ेगी और करनी भी चाहिए। जीवन में कोई शॉर्टकट तरीका या गैर कानूनी तरीका उन्हें नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शनि को यह पसंद नहीं। सही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए और शनि लग्न में बैठकर व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान, अनुभव जन ज्ञान प्रदान करते हैं। व्यक्ति को धर्म दर्शन, अध्यात्म चिंतन मनन, प्राची विद्याओं से जोड़ते हैं और खूब इसमें रुचि भी होती है जातक की। लग्नस्थ शनि वाले व्यक्ति को बहुत धैर्य के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए और अहंकार से बहुत दूर रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, लग्नस्थ शनि वाले व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो उन्हें एक सेवक की तरह काम करना चाहिए, ना कि सत्ता सुख भोगने में तत्पर होना चाहिए, वरना खराब फल अवश्य भोगने पड़ेंगे, क्योंकि शनि आपको मालूम ही है कि दंडाधिकारी भी हैं, गलत कार्यों के लिए व्यक्ति को दंडित भी करते हैं, गलत कार्यों का भुगतान तो करवाएंगे ही आपसे। तो मित्रों, आशा है मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहीं वाणी को विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सियाराम, नमस्कार।